तरफ से जब अपन आते हैं ना मंदिर। जय बद्री विशाल दोस्तों, तो अभी हम लोग लौट रहे हैं बद्रीनाथ से वापस, और अभी हम जा रहे हैं भारत के आखिरी गांव जिसका नाम है माणा, और वहां पे हम भारत के आखिरी चाय की दुकान भी देखेंगे और वहां पे चाय भी पियेंगे। और हाँ, मैं आपको दिखाने वाली हूँ चाइना बॉर्डर के उस पार चाइना है, तो मैं चाइना भी दिखाऊंगी आपको इसी वीडियो में, तो स्टे ट्यून्ड। और हाँ, वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना और कमेंट में जरूर लिख देना जय बद्री विशाल, और अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब किए बिना जाना नहीं। भारत के अंदर तो चाय नहीं पिए तो क्या पिए। तो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं माणा गांव और यहाँ पे कार पार्क कर दी है, और यहाँ से हम लोग को पैदल चल के जाना पड़ेगा, कम से कम 5-6 किलोमीटर है यहाँ से। और बस तो हम लोग चल रहे हैं और सीधी चढ़ाई है, तो यार बहुत थक जाते हैं, बहुत मुश्किल है चढ़ना। अम्बू विश्वकर्मा माड़ा, इधर भी बनाने ऊपर लिखा विश्वकर्मा जी का मंदिर है। कहाँ तक जाना है भाई? ऊपर लास्ट। तो चढ़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है यार, और आपको साइड में दिख रही होंगी दुकानें, तो यहाँ पे खाने पीने की बहुत दुकानें हैं और वुलन्स बहुत आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, और क्योंकि यहाँ पे ठंड रहती है तो आपको वुलन ही मिलेंगे। एंड यहाँ पे डिफरेंट टाइप की चाय पत्तीज आपको मिल जाएंगी जो जड़ी बूटी वाली होती हैं। ये जो पहाड़ दिख रहा है, इस पहाड़ के उस पार चाइना है, तो ये भारत का क्या है, अंतिम बॉर्डर है, अंतिम गांव है भारत का, अंतिम गांव है ये। भारत का अंतिम गांव है कि उत्तराखंड से बॉर्डर? भारत का अंतिम गांव। हाँ, ये पूरे भारत का अंतिम गांव है, इसके बाद चाइना है। बॉर्डर से भारत का अंतिम गांव। हाँ, पानी आई चाय है, मुझे बॉल दिख रही है। वो चाइना बॉल, इसमें आ नहीं रहा, नहीं तो मेरे फोन में आ जाता। ये जो दिख रही है बॉर्डर, इसमें मैं लगा दूंगी, वो चाइना की वॉल है ना। देखो पुराण और महाभारत का लेखन स्थल यहाँ लिखा गया था। बैठ ये पुराण एवं महाभारत का लेखन है। हेलो, श्री गणेश, तो मैं परिक्रमा कर रही हूँ, और ये वही पवित्र स्थान है जहाँ पर श्री गणेश जी बैठकर महाभारत लिखे थे और वेद व्यास जी बोल रहे थे, और मैं वो जगह भी आपको दिखाऊंगी कि वेद व्यास जी कहाँ से बोल रहे थे। तो अभी चलते हैं उसी स्थान पे। तू वेद व्यास वाले लिखने वाले के नाम पे वही ऊपर ही ये पापा का है, आप कह रख लो। क्या था, व्यास जी ने क्या किया था? व्यास जी वहां से बोल रहे थे, यहां पे बैठ के लिख रहे थे। हां यार, नीचे कुछ रचना यहां। अच्छा,
जहाँ बोले जो मंदिर है ना गणेश जी वहाँ बैठ करके लिखे हैं, तो वहाँ से व्यास जी बोल रहे हैं ना। चलो चलते देखते। तो भाई पहाड़ों में चढ़ना इतना आसान नहीं है, देख रहे हो ये लोग कैसे बैठ जा रहे हैं। यहाँ से सिर्फ 200 मीटर है फिर भी लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, इतना ज़्यादा मुश्किल होता है पहाड़ों में चढ़ना। आ गया SBI। अच्छा वो लिखा भी है अंदर चाय की दुकान। तो दोस्तों हालत देखकर तो पता चल ही गया होगा कि कितना कठिन रास्ता है। मेरी फैमिली से और जो हमारे फ्रेंड्स थे कोई भी ऊपर नहीं गए थे क्योंकि इतना ज़्यादा थक गए थे चार धाम की यात्रा में। बट हम गए क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं आप सबको भी वहाँ का वीडियो दिखाऊँ कि कैसा है, आप सब लोग भी देखो, इसलिए मैं गई। तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना यार। तो हम पहुँच चुके हैं भारत की आखिरी चाय की दुकान में और आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे देश का तिरंगा लहरा रहा है जो कि बहुत ही प्राउड मोमेंट था। हमने वहाँ पर फ़ोटोज़ भी क्लिक कराई और यहीं पे मंदिर था वेदव्यास जी का, वहाँ पे बैठकर वो वेदव्यास जी महाभारत पढ़ रहे थे और मतलब बोल रहे थे, और श्री गणेश जी मैंने आपको जो गुफा दिखाई थी वहाँ पर बैठकर महाभारत लिख रहे थे, और ये लिखा है व्यास पोथी, ये वही जगह है। तो मैं भी आपको अंदर के भी दर्शन कराने वाली हूँ। वहाँ पे कैमरा अलाउड बिल्कुल भी नहीं था, स्ट्रिक्ट वार्निंग लिखी है, बट मैं चुपके से वहाँ का वीडियो बना ली क्योंकि जो लोग नहीं जा पाते हैं मैं चाहती थी वो लोग भी दर्शन कर ले। तो आप देख सकते हो ये है वेद व्यास जी की मूर्ति, तो आप सब भी दर्शन कर लीजिए। भाई एक मिनट आ भारत माता की जय, भारत माता की जय, मातरम मातरम मातरम। चलो चलो चलो। तो मैं देश के सभी वीर जवानों को सलाम करती हूँ जो हमारे देश की रक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। मेरा सलाम है उन सभी वीर जवानों को। जय हिंद जय भारत।